निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा फीस बढ़ोतरी का मामला कोई पुराना नहीं है। ऐसा ही मामला बुधवार को सेंट एंसलम स्कूल के बाहर देखने को मिला, जब एनएसयूआई छात्र संगठन ने बढ़ती फीस के विरोध में प्रदर्शन किया। आइए देखिए क्या है पूरा मामला। छात्रों ने बताया कि निजी स्कूलें मनमानी फीस वसूल रही हैं और नए सत्र में भी फिर वृद्धि मनमाने तरीके से की गई, साथ ही कई अन्य शुल्क लिए जा रहे हैं। मिशनरी स्कूलों में मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिसके चलते फीस वृद्धि का बोझ नहीं उठा पाएंगे। एनएसयूआई के छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि फीस वृद्धि वापस नहीं ली गई तो वह जल्द बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जिस तरह मिशनरी स्कूलों की मनमानी चल रही है, इनके द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं, इनके द्वारा इस बार पिछले सत्र की अपेक्षा इस बार फीस बढ़ाई है और फीस में काफ़ी बढ़ोतरी की है। इन मिशनरी स्कूलों में अधिकतर मीडियम क्लास फैमिली से बच्चे पढ़ते हैं और मीडियम क्लास फैमिली की ये स्थिति होती है कि उन पे रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी लाना बहुत दिक्कत की बात है, और उसमें ये महंगाई के दौर में जो फीस बढ़ोतरी करी है उनमें उनकी कमर तोड़ी है। इससे जो अभिभावक है वो अवसाद में है कि ये किस फीस किस तरह जमा कराई जाए। इसी को लेकर आज एनएसयूआई संगठन द्वारा विरोध किया गया कि जो फीस बढ़ाई है इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ मिशनरी स्कूलों की मनमानी है और बाकी कहीं प्राइवेट स्कूलों में ऐसी कोई है नहीं, क्योंकि इनके द्वारा ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं और ये हाईकोर्ट के नियमों को ना मानते हैं, ना ये सुप्रीम कोर्ट के नियमों को मानते हैं। अगर मिशनरी स्कूलों द्वारा ये जो फीस बढ़ाई है वापस नहीं ली गई तो एनएसयूआई संगठन द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे शैक्षणिक बंद का आह्वान करना पड़े, या भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, इसके लिए एनएसयूआई का हर छात्र खड़ा है एनएसयूआई के साथ में। आज हम सेंट एंसलम स्कूल में आए थे फादर को ज्ञापन देने, लेकिन फादर किसी मीटिंग में है, इसलिए यहाँ के स्टाफ ने ज्ञापन लिया और हमें आश्वस्त किया कि इस पर जरूर जल्दी कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है, हम 3 दिवस का अल्टीमेटम दिया, 3 दिवस में कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम अपने आगे की कार्रवाई करेंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।